मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की है। अभियान में जनता को जोड़कर सप्ताह में एक दिन पानी जमा होने वाली जगहों को साफ करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में एंटी लार्वा गतिविधियों को भी तेज किया जाएगा। इस अभियान के तहत जनता को घरों में कूलर, वाटर टैंक और आसपास गड्ढों में जमा पानी की सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही फॉगिंग भी की जाएगी। डेंगू से जंग जनता के संग मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार कर रही है। जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि जो डेंगू और मलेरिया है मच्छर से फैलता है और मच्छर का जो लार्वा होता है वो भरे हुए पानी में पनपता है। पानी चाहे कूलर में भरा हो, टंकी में भरा हो, कॉलोनी के गड्ढे में कहीं भरा हो, और इसलिए अगर घर में डेंगू का लार्वा पनपने से रोकना है तो कूलर का पानी बदलना पड़ेगा। किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो भी खाली करना पड़ेगा। उसमें लार्वा मारने की दवाई या मछली डालनी पड़ेगी। नगर निगम और सरकार अपने काम करेगी, लेकिन घरों में तो जनता को सहयोग देना होगा, और इसलिए यह अभियान हमने चलाया डेंगू से जंग जनता के संग।